केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग व पड़ाव पर फंसे तीर्थयात्रियों को हेली रेस्क्यू करने में मौसम बाधा बन रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मंदिर समिति की टीमों ने 600 लोगों को केदारनाथ धाम के दुरू वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित निकाला और 400 अन्य को हेलीकॉप्टरों से निकाला गया। अब तक कुल 9,099 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि लगभग 1,000 तीर्थयात्री जगह जगह अभी भी फंसे हुए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाने के लिए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडियर यूनिट के कर्नल हितेश वरिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और पुल बनाने के अलावा सर्च ऑपरेशन में मदद करेगी। प्राथमिकता के आधार पर पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वाश आउट वे मार्ग पर पैदल पुल बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 100 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। मौसम विभाग अनुकूल होने के कारण शनिवार को वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक और MI-17 उड़ान नहीं भर पाए। छोटे हेलीकॉप्टरों से भीमबली चीर बासा में और लीन चोली में फंसे तीर्थयात्रियों में से 1,000 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मंदिर समिति की टीमों ने 600 लोगों को केदारनाथ धाम के दुरू वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित निकाला, जबकि 400 अन्य हेलीकॉप्टरों से निकाला गया। अब तक 9,099 तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन लगभग 1,000 तीर्थयात्री अभी भी जगह जगह फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे के अनुसार रेस्क्यू किए गए तीर्थयात्रियों में काफी संख्या में वे भी शामिल हैं, जिनका अभी तक अपने स्वजन से संपर्क नहीं हो पा रहा था। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। धाम और विभिन्न पड़ाव पर फंस गए थे 10,000 तीर्थयात्री। 31 जुलाई की रात केदार घाटी में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के बाद केदारनाथ धाम का पैदल रास्ता कई जगह ध्वस्त हो जाने के कारण लगभग 10,000 तीर्थयात्री धाम और विभिन्न पड़ाव पर फंस गए थे। घटना के वक्त भीमबली, लीनचोली, चीरबासा और गौरीकुंड क्षेत्र में मौजूद लोगों में कईयों ने मंदाकिनी नदी के उफान को देखते हुए जंगलों की तरफ भागकर जान बचाई। पूरी रात जंगल में काटने के बाद वे सुबह सुरक्षित पड़ाव पर लौटे। राज्य सरकार की पिछले 4 दिनों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की 882 सदस्य टीम के माध्यम से फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने में जुटी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले चिनूक MI-17 समेत 7 हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराए थे। शनिवार को दोपहर तक धुंध की वजह से छोटे छोटे हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर पाए, जिसके बाद भीमबली और लिंचोली में फंसे लोगों को रेस्क्यू शुरू हो पाया। केदारनाथ धाम से किसी को भी हेली रेस्क्यू नहीं किया जा सका। लगभग 700 लोग फंसे हैं। दोपहर बाद चिरबासा स्थित हेलीपैड को भी उड़ान के लिए तैयार कर लिया गया। भूस्खलन के बाद इसमें बड़े पत्थर और मलबा आ गया था।